हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल हाउ टू सिंप्लीफाई एजुकेशन। इस चैनल पर आपको मिलेगी PSTET और CTET से जुड़ी हर अपडेट, और इस चैनल पर आपको मिलेंगे CTET और PSTET के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस। हम पिछले सालों के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि आप घिसे पिटे क्वेश्चंस से बच सकें और अच्छे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकें। CDP बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पिछले सालों के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। इन वीडियोस को आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर कर देख सकते हैं, और इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आपके लिए वही स्मार्ट क्वेश्चंस लेकर आएंगे जिनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा है और जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। अभी स्टूडेंट्स जो CTET 7 जुलाई 2019 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बिग अपडेट निकल कर आ रही है, और ये अपडेट CTET में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की मांग को लेकर आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, CTET में 10% आरक्षण को लेकर याचिका लगी हुई है, उसके संबंध में न्यू अपडेट निकल कर आ रही है, और यह अपडेट आज तक पर आई है और 24 मिनट्स पहले की ये अपडेट है। आइए हम इस अपडेट को देख लेते हैं। CTET आर्थिक आधार पर वर्ग में 10% आरक्षण की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा केंद्र से जवाब। पूरी न्यूज़ देख लेते हैं जी। CTET 2019 में आर्थिक रूप में कमज़ोर कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 10% आरक्षण की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। जैसे कि आपको पता ही होगा, CTET में 10% आरक्षण को लेकर याचिका लगी हुई है, और उसके संबंध में ही ये अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। आइए पूरी न्यूज़ देख लेते हैं। CTET 2019 में आर्थिक रूप से कमज़ोर कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 10% आरक्षण की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति इंदिरा बैनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अवकाश पीठ ने याचिका पर केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को नोटिस जारी करते हुए उनसे मामले में सुनवाई की अगली तारीख 1 जुलाई तक जवाब दायर करने को कहा है, और इस याचिका में जो नेक्स्ट सुनवाई होनी है वह 1 जुलाई को होनी है। न्यायालय आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के कुछ याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई कर रहा है जो CTET 2019 में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत को बताया कि CBSE ने CTET कराने के लिए 23 जनवरी 2019 को विज्ञापन जारी किया था, जिनमें समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर कैटेगरी के लोगों को 10% आरक्षण देने का जिक्र नहीं किया गया है। आपको बता दें, CTET की परीक्षा का आयोजन 7 जुलाई को किया जाएगा। पूरे देश में 97 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। CTET में आरक्षण को लेकर नेक्स्ट सुनवाई जो होनी है वह 1 जुलाई को होनी है, और आरक्षण को लेकर जो भी अपडेट्स निकल कर आएंगी वह सब अपडेट्स हम आप तक पहुंचा देंगे। सभी अपडेट्स पाने के लिए और CTET के स्मार्ट नोट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू जी।